स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर में से होती है। उम्मीद करता हूं आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे, ताकि आपके जो फैमिली के जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, उन सभी को एक अच्छा करंट अफेयर सेशन है जो कि मिल सके, जो कि उनकी नॉलेज में और साथ में एग्जाम में दोनों में काम आ सके। तो आज अपनी क्लास थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ी क्या, काफी लेट हो गई है। 8:10 है जो कि हो चुके हैं, लेकिन हम लोग 8:02-03 पे स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज अपना सेशन बहुत बड़ा भी नहीं है, बिकॉज जो मेजरली न्यूज़ है वो कोविड से रिलेटेड ही है। तो हम लोग जो है वो टाइम के अंदर है जो कि अपना सेशन को खत्म कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज है 20 अप्रैल, जैसा कि आपको मालूम है, और सबसे पहले ये सारे एग्जाम है जिसके लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और आपको बहुत हेल्प है जो कि इन सभी एग्जाम में करने वाला है। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस देखे तो कल क्वेश्चन दिए नहीं थे मैंने शायद आपको, है ना, कल दिए नहीं थे। ये सारे के सारे न्यूज़पेपर कवर करेंगे, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट, और आज के कुछ सवाल है जो कि हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सबसे पहले आपको मालूम है, अगर आपको घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप कर सकते हैं, बढ़िया टीचर से पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके अनअकैडमी प्लस के माध्यम से, जहां पे आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा तो आप लगा दीजिएगा BHU10 या फिर BHU10, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा। SSC बैंकिंग से लेकर जितने भी आपके एग्जाम है सभी के लिए। और आज 25 कल से इकोनॉमिक्स का जो प्लस कोर्स है वो भी लॉन्च हो रहा है मेरा, और ये मैं SSC की कैटेगरी में लेके आ रहा हूँ, फाउंडेशन बैच के अंदर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल के SSC का सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ का फ्री है जो कि अभी आपको मिल रहा है। आज का कोट ऑफ द डे जो कि अंकिता के द्वारा भेजा गया है, जो दूसरों की खुशी के खातिर अपनी हार मान ले उसे कभी भी कोई जीत नहीं सकता। तो बिल्कुल सही बात है जो कि आप अंकिता के द्वारा कही गई है कि जो दूसरों की खुशी के कारण जो हार मान लेना, एक बार के लिए हार मानने का मतलब है, यहाँ पे आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट से संबंधित यहाँ पे बात हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि दो लोग आपस में इतना आर्गुमेंट कर रहे होते हैं और एंड ऑफ द आर्गुमेंट दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो अगर कोई आर्गुमेंट कर रहा है आपके पास समझने को तैयार नहीं है, तो लेट देम जो है डिसाइड कि भाई ठीक है तू जीत गया, कोई बात नहीं, ओके। रियलिटी ही है कि वो जीता हुआ अपने आप को मान लेगा भी नहीं उस मोमेंट के ऊपर। एक छोटा सा इसका किस्सा जो है मैं आपको मेरे स्कूलिंग का समझाता हूँ। इन स्कूलिंग आई वाज वेरी आर्गुमेंटेटिव, मैं बहुत आर्गुमेंट किया करता था। मैं कोई होता था ना कि कोई बात बोल दे तो मैं उसको बस अच्छा ऐसे कैसे तो हम तो तंबू गाड़ दिया करते थे। लेकिन वहीं पर एक मेरा फ्रेंड था, हिज नेम वाज रवि। तो रवि जो है वो क्या हुआ करता था, वो कभी भी जो उसको लगता था ना कि यार ये मानेगा नहीं मेरी बात, उसकी बात तुरंत मान लिया करता था, है ना, उसको वो भी खुश हो जाया करता था। और वो जो है वो सबसे हैप्पी पर्सन था वहाँ पे पूरी क्लास के अंदर, क्योंकि वो कभी भी किसी से आर्गुमेंट नहीं करता था। कोई ये बोलेगा उसकी बात हाँ सही बोल रहा है बिल्कुल, वो हाँ बिल्कुल सही है ऐसे करके चला करता था। तो मैं देखता था कि वो हमेशा कितना खुश रहता है, क्योंकि किसी से उसका झगड़ा ही नहीं होता क्लास के अंदर। और जो लोग हमेशा एक दूसरे से वाद विवाद के अंदर उलझे हुए रहते हैं कि नहीं मैं जीत के जाऊँ यहाँ से, इस चक्कर के अंदर क्या होता है कि आप अपना टाइम, आप अपनी एनर्जी और बाद में आप अपना फ्रस्ट्रेशन, तीनों है जो कि वहाँ पर दिखा के चले जाते हो। तो हमेशा कोशिश करें कि अगर आपको कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपकी बात को नहीं मान रहे या आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो हाँ बोल दिया करो, हाँ भाई तू सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी दुनिया में या फिर इस पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं है कि धरती जो है वो चौकोर हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए आप वहां से खुशी से निकल जाओगे, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, ओके आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि आज के दैनिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन को लेकर, तो कल दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा अनाउंसमेंट किया गया कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं 1 मई से वो वैक्सीनेट है जो कि करवा सकते हैं, ओके। स्टेट भी जो है वो डायरेक्टली किसी कंपनी से वैक्सीन को खरीद सकते हैं, 50% जो है वो स्टेट और प्राइवेटली जो है वैक्सीन को बेचा जा सकता है, और 50% जो कि गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, है ना। एक तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके अलावा जॉनसन जो है यूके के जो हेड है उन्होंने इंडिया की सेकंड टाइम ट्रिप को कैंसिल कर दिया है और इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया है कई सारे देशों ने, न्यूजीलैंड ने, हांगकांग ने, और उन्होंने बोला है कि इंडिया से किसी भी ट्रैवलर को हम अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे केसेस बहुत ही आसमान के ऊपर है, 2.5 लाख से ज्यादा केसेस कल देखने को मिले, ओके। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, ICMR की रिपोर्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रंट पेज के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एक जनरल डिस्कशन ही है जो कि है सेकंड वेव को लेकर। आपको मालूम है इंडिया के अंदर सेकंड वेव की जो स्पीड है वो दोस्तों रॉकेट से भी बड़ी तेज है, और वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जो कि बच चुका है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की तो रेल बन चुकी है इलेक्शन के अंदर, 35 लाख कुंभ के मेले के अंदर, तो वहां सब तो, और बहुत सारे फेस्टिवल्स हो चुके हैं इन सब के अंदर, तो
तो अब एंड ऑफ द डे दोस्तों सरकार ने डिसाइड किया कि 50% जो मैन्युफैक्चरर है ना, जो भी वैक्सीन को बना रहा है, वो 50% तो सेंटर को बेचेगा और बाकी जो है वो ओपन मार्केट और स्टेट के अंदर देगा। तो यानी कि अब आने वाले दिनों के अंदर आपको, एक बच्चा बोल रहा है कि यहाँ पे पूजा की मतलब हमारा नंबर आने वाला है। पूजा बिल्कुल बात सही है, थ्योरिटिकली आपका नंबर आने वाला है लेकिन प्रैक्टिकली आपका नंबर नहीं आएगा। अभी आने से आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर तो एटलीस्ट तो अपने आप को 1-1.5 महीना बचा के रखिए, क्योंकि वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड है, जनता है जो कि अपने आप पे ज़्यादा है, तो आपका मेरा जो नंबर है अपना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, डोंट वरी। 1 महीने का मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर अभी रशियन वैक्सीन भी आ जाएगी, उसके बाद में थोड़ा सा जो है वो अवेलेबिलिटी हो जाएगी, बाकी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, अभी तो जो है बुजुर्ग लोगों के लिए और जो हेल्थ वर्कर्स के लिए उनके लिए ही अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, कई लोग जो है वो हॉस्पिटल से जाके वापस जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे वैक्सीन नहीं है। ठीक है, चलिए, इसराइल ने दोस्तों 119% है जो कि वैक्सीनेशन रेट है, 119%। यूएस ने भी बहुत जबरदस्त काम किया, 62% वैक्सीनेशन रेट है। भूटान भी 62%, भूटान के अगर पॉपुलेशन में 3-1 लाख है। जर्मनी 26, फ्रांस 24, हमारी अगर मैं बात करूँ तो अभी हमने 8.97% जो है वो वैक्सीनेशन करी है, 12 करोड़ के आसपास, 12 से 13 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट है जो कि किया है। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए वैक्सीनेशन की लाइन है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है वैक्सीनेशन के लिए लाइन है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली ने भी जो है वो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया है, 6 डे का लॉकडाउन का अनाउंसमेंट है जो कि दोस्तों दिल्ली ने कर दिया, मंडे के सुबह रात के 10 बजे से लेकर आने वाले 6 दिनों के अंदर, क्योंकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कलेप्स हो चुका है। जब ज्यादा लोग अगर हॉस्पिटल में आने लग जाते हैं तो लॉकडाउन की कंडीशन बन जाती है। ओके, तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के अंदर भी करने को बोला लेकिन यूपी ने भी डिनाई कर दिया है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है सेकंड वेव इज नॉट मोर लिथल, ये ICMR के द्वारा दोस्तों कहा गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बताया गया कि जो ये सेकंड वेव है इससे ज्यादा मृत्यु नहीं हो रही है, रेट जो है वो बहुत कम है। बात सही है, थ्योरेटिकली तो 1.32% है लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो गाइज आपको मालूम है कि जो गवर्नमेंट ने डाटा बताती है डेथ का वो हमेशा 1/10 होता है। अगर 50 लोगों की मृत्यु हुई है तो सरकार बोलती है कि 5 ही चल बसे हैं कल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो 50 से भी ज्यादा होता है वो। ओके, तो इनका ये कहना है लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा आपको कि थोड़ा ध्यान रखिए, 1-2 महीने की बात है ना, थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखिए, उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात करते हैं पेज नंबर 7, ये बहुत ही फनी एक आर्ट है जो कि बनाया है, दिखाऊंगा अभी आपको। यहाँ पर भी वैक्सीनेशन को लेकर बताया, मतलब जितने भी आज के टाइम पे देश में दुनिया में जो बात चल रही है वो सिर्फ कोविड की ही हो रही है, तो न्यूज़पेपर में 5 पढ़ चुका हूँ, 5ों के अंदर मेजरली यही है। चलिए, तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एपिसेंटर के बारे में बता रखा है, हॉटस्पॉट को लेकर के कौन कौन सी जगह हॉटस्पॉट है। तो यहाँ पे जो रेड में आपको नजर आ रहा होगा, यूपी हो गया, साथ में महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा थोड़ा बहुत ठीक है MP हो गया, छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, ये सारे के सारे हॉटस्पॉट है केसेस के अंदर। उसी प्रकार से डेथ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेथ के अंदर भी सेम कहानी है, ये सारे हॉटस्पॉट है जो कि बने हुए हैं। ओके, जितना एरिया ग्रीन है उतना ही अच्छा है, मतलब वहां पे केसेस जो है वो कम देखने को मिल रहे हैं, और जहां पर रेड है वो यानी कि केसेस वहां पे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, यहाँ पे COVID-19 के केसेस सेकेंड वेव के अंदर काफी तेजी से देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट इस बार तो रूरल एरियाज में भी बहुत देखने को मिल रहे हैं, है ना, जो शार्पेस्ट इंक्रीज जो केसेस है वो शहरों के अलावा गांवों के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, ये थोड़ी सी और चिंताजनक स्थिति है। ये देखिए बहुत ही फनी है, आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने बोल दिया कि हम लोग रैली नहीं करेंगे, उसके बाद में ममता दीदी ने भी बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई बंद करवा दो तीनों फेज की जो है ना, तीनों फेज की इलेक्शन अभी करवाओ मत। ओके, तो यहाँ पे देखिए ममता दीदी भी घर पे बैठी है, वो भी घर पे बैठे हैं, ममता विल नॉट कैंपेन एनीमोर, और यहाँ पे मोदी जी को याद आ गया रैली, अब कोई नहीं है मैदान के अंदर, भागो। तो वहां पे मोदी जी रैली करने के लिए भाग रहे हैं, यहाँ पे देखिए पैरों के साथ में प्लास्टर भी है जो कि टांग रखा है, तो काफी फनी मतलब फोटो है जो कि बताई गई दिखाई है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 की तरफ, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, पहली ऐसी इलेक्शन पार्टी जिसने ये बताया कि हमें पैसा किसने दिया है, ये जानने को आंखें तरस गई थी, है ना, ये जानने को जो है आंखें तरस गई थी कि भाई कौन से लोग हैं जो कि ये करोड़ों रुपए का फंडिंग है जो कि किसी कंपनी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, तो सबने तो नहीं लेकिन एक पार्टी ने बताया, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, इसके अलावा IAS जो चीफ है वो राफेल जेट की मीटिंग के लिए फ्रांस के लिए गए हुए हैं, भदौरिया जी। ओके, 14 जेट को लेकर बातचीत हुई थी वो आपको मालूम ही है, बोरिस जॉनसन ने ट्रैवल को मना कर दिया है, इसके अलावा ये
वाली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम नाम की एक पार्टी है, आपको मालूम होगा झारखंड के अंदर, और लीडिंग पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये पहली पार्टी है दोस्तों जिसने ये बताया कि जो हमें डोनेशन मिला है ना वो किससे मिला है। ये नाम जानने को आंखें तरस गई थी पूरी देश को। तो एडीआर जो है दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक पोल राइट ग्रुप है, उसने बताया कि 1 करोड़ रुपए का डोनेशन जो जेजेएम को मिला है 2019-20 के अंदर, वो पता है कौन सी कंपनी से मिला है? हिंडाल्को से मिला है। हिंडाल्को नाम की जो कंपनी है उससे ये 1 करोड़ रुपए है। आपको मालूम है एल्यूमिनियम और कॉपर का मैन्युफैक्चरर है हिंडाल्को, तो उससे ये 1 करोड़ रुपए है जो कि इस पॉलिटिकल पार्टी को मिला है। ठीक है, आपको मालूम है दोस्तों कि जितने भी बैंक में पैसा लोग, ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, वाइट करप्शन है, जो कि जेटली जी जो है वो जाने से पहले कर गए। हमेशा क्या होता था कि लोग इलेक्शन पार्टी को टेबल के नीचे से पैसे दिया करते थे, जेटली जी ने बोला अरे ऐसे क्यों करते हो, हम है ना अभी हम जिंदा हैं, तो उस टाइम पे वो जिंदा हुआ करते थे। होपफुली अभी जो है वो काफ़ी पीस के अंदर हो। तो उन्होंने क्या लेके आया, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके आए कि आप तो डायरेक्टली जो है बैंक में जाके डिपॉजिट करवाओ, आपकी जो है कोई भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो उसी को लेकर दोस्तों क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड नाम की जो है वाइट पेपर्स लेके आए गए, करप्शन का सीधा तरीका, एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेके आए गए जिससे आप डोनेशन कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ के अंदर आप मैक्सिमम, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप दे सकते हो। कहाँ पे देना पड़ेगा? SBI बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है गाइज, और ये 15 डेज जो है वो इश्यूएंस के, इश्यू करने के 15 दिन तक वैलिड है जो कि रहते हैं। समझ गए मेरी बात? कोई भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ये पैसा आप दे सकते हो। कोई भी पर्सन जो है इंडियन जो है इसको परचेज कर सकता है हर 10 दिन के लिए, जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर, इलेक्शन से पहले कुल मिला के बात करी जाए तो, है ना, 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में जो है वो उसको ले सकता है। कोई भी बाय कर सकता है सिंगल, जॉइंटली, कोई कंपनी के तौर पे, और डोनर का नाम जो है वो बॉन्ड के ऊपर मेंशन नहीं होगा। हालांकि बैंक और पॉलिटिकल पार्टीज को तो पता होता है लेकिन बाकी जनता को नहीं पता होता। बैकग्राउंड की बात करें दोस्तों तो ऐसा बोला गया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम जो है एक तरीके से चेक होगा अगेंस्ट ट्रेडिशनल अंडर द टेबल डोनेशन। तो ये बोल के लाया गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड कि अंडर द टेबल जो डोनेशन होते हैं ना उसको खत्म करने के लिए हम ओवर द टेबल लेके आ रहे हैं। ये तो वही बात है कि किसी की जेब में नीचे से पैसे मत डालो, ऊपर से डाल दो उसके। तो ये कुछ वैसा ही था, है ना, और इसमें डिजिटल पेपर चेक इनको दोस्तों यूज किया गया ट्रांजेक्शन के लिए। इसके मिसयूज को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, इसको बोला सुप्रीम कोर्ट में कई बार बात हो चुकी है कि ये यहाँ पे जो एनोनिमिटी है ना, नाम नहीं बताते, नाइदर द डोनर नॉर द पॉलिटिकल पार्टी इज ऑब्लाइज टू रिवील हुम द डोनेशन कम्स फ्रॉम। तो ना तो किसी डोनर बताता है ना पॉलिटिकल पार्टी बताती है कि किससे ये पैसा है जो कि आया है, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर, और इसी वजह से दोस्तों ये बहुत ही अनक्लियर तरीका है पैसे डोनेट करने का। ब्लैक मनी भी इससे सर्कुलेशन में काफ़ी आ जाती है, क्योंकि जो पहले तो क्या हुआ करता था कि कॉरपोरेट डोनेशन 7.5% ही दोस्तों अलाउ हुआ करता था, लेकिन अभी जो है मतलब जिस तरीके से ये 7.5% कैप को हटा दिया गया है, उसके बाद तो कितना भी पैसा जमा कराओ कोई दिक्कत है जो कि नहीं है। ठीक है गाइस, तो कंडीशन देखिए, गवर्नमेंट ये बोलती है, गवर्नमेंट का डिफेंस देखिए, गवर्नमेंट ये बोलती है कि कंडीशन है जो कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए लगा रखी है। कौन सी कंडीशन लगा रखी है कि पहले बात तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी ना वही पैसा लेगी, ऐसे कोई ऐरी गैरी नहीं लेगी। समझ गए मेरी बात? ठीक है गाइस, पहली बात तो रजिस्टर्ड ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। चलो बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है इनका, हालांकि कोई बिल्कुल ही फालतू आर्ग्यूमेंट था, लेकिन ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई ब्लैक मनी जो पॉलिटिक्स में उसको रोकने के लिए जो है ना हम ये इलेक्ट्रल बॉन्ड है जो कि लेके आए, क्योंकि सिर्फ व्हाइट मनी ही जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होएगा, ये इनका कहना था। KYC नॉर्म्स है जो कि हम इसमें फॉलो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो बढ़िया जो है सपोर्ट दिया इलेक्शन कमीशन ने, है ना, उन्होंने कभी अपोज ही नहीं किया। हालांकि उन्होंने बोला एक बार कि भाई इसके अंदर नाम तो होना चाहिए कि किसने इसको पैसे को दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की सुनता कौन है देश के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैटर है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है सर
when you will make video on stream selection after class 10th. Okay, learn something new. इस weekend के ऊपर बना देता हूँ मैं, है ना? इस weekend के ऊपर आप लोगों के लिए जो stream selection वाला जो video है वो मैं इस वाले weekend पे बना दूंगा, don't worry. Okay, एक बार वीडियो को शेयर कर देना अपने WhatsApp पे, अपने Telegram पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके. एक बार तुरंत तुरंत वीडियो को शेयर कर दो. ठीक है, मुझे मालूम है CHSL का पेपर जो है वो पोस्टपोन हो चुका है. ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि वंदे भारत को लेकर. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. ठीक है, वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत मिशन आपको मालूम है जिसके तहत हम लोग जो बाहर है, हमारे इंडियंस फंसे हुए थे COVID-19 के अंदर, उन सबको हम लोग हमारे देश में जो है वो लेके आने को लेकर था, जिससे हमने उनसे डबल पैसे भी लिए, एक तरफ तो जाने का भाड़ा और एक तरफ आने का भी भाड़ा. ठीक है, अगर कोई अमेरिका से आ रहा है तो उसके आने की और जाने की दोनों टिकट है जो कि उसको देनी पड़ेगी. तो ये वंदे भारत मिशन है अपना, आपको मालूम है इस मिशन के तहत हमने लाखों लोगों को हमने वापस घर की तरफ बुलाया है. आपको मालूम होना चाहिए इससे पहले दोस्तों इतना बड़ा इवैक्यूएशन जो मिशन है वो हमने गल्फ वॉर के टाइम पे किया था. गल्फ वॉर जब एयरलिफ्ट हुई थी 1990 के अंदर, तब हमने 1,10,000 लोगों को क्या किया था, एयरलिफ्ट करके हम लोग हमारे देश में लेके आए थे जब गल्फ वॉर की शुरुआत हुई थी. समझ गए मेरी बात? लेकिन अभी क्या हो चुका है कि अभी हमने 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों को दोस्तों एयरलिफ्ट जो कि कर दिया है. इसका मतलब यह है कि वंदे भारत जो है ना वो हमारे देश का टॉप सिविलियन इवैक्यूएशन मिशन है जो कि बन चुका है. अभी 10th फेज के अंदर है और इसने गल्फ वॉर के एयरलिफ्ट को सरपास जो कि कर दिया है. ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हो 11,000 फ्लाइट है जो कि ऑपरेट करेगी एयर इंडिया की, जिसमें नियर बाय 18,00,000 पैसेंजर को, है ना, और 11,000 आउटबाउंड फ्लाइट को, मतलब नियर बाय 13,00,000 पैसेंजर जो कि वापस से लेके आए गए हैं. ओके गाइस, यानी कि बहुत बड़ा मिशन है जो कि ये बताया गया 13,00,000 लोगों को वापस जो कि लेके आ गया है. ठीक है, चलिए तो ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी, अब तक का सबसे बड़ा मिशन है जो कि ये वंदे भारत बन चुका है. आगे बात करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड विनर दोस्तों, यहाँ पे सुमित्रा भावे जी के बारे में बात कर रहे हैं. उनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई है. बहुत ही जबरदस्त इमिनेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर है जो कि ये रह चुकी है. और वर्नैकुलर सिनेमा के अंदर, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो लोकल लैंग्वेज के अंदर जो सिनेमा बनता है ना, उसके लेकर ये काफी फेमस है जो कि रही है. पुणे से दोस्तों ये बिलोंग किया करती थी. ठीक है गाइस, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. ओके, और 1995 के अंदर इनकी एक मूवी थी जिसका नाम था डोगी, उसको नेशनल फिल्म अवार्ड है जो कि मिला था. ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड को लेकर. आपको मालूम होगा रिसेंटली दोस्तों हमारे महेंद्र गिरी जी जो कि उत्तराखंड के अंदर जो राजाजी नेशनल पार्क है हमारा, वहां पे रेंजर थे जिनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया. मालूम है ये तो आपको, हम लोग 2-3 बार पढ़ भी चुके हैं. मैंने आपको मार्च का करंट अफेयर भी करवाया, उसके अंदर भी ये तो मालूम है. लेकिन आपको दोस्तों किसके बारे में नहीं मालूम, यहाँ पे सतीश जी के बारे में नहीं मालूम. सतीश जी दोस्तों हमारे एक और ऐसे इंडियन है जिनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ठीक है गाइस, तो रमनाथापुरम के अंदर जो फॉरेंस रेंज ऑफिसर है सतीश जी, ओके, जिन्होंने दोस्तों काफी काम किया है मरीन कंजर्वेशन को लेकर. तो गल्फ ऑफ मन्नार जो मरीन नेशनल पार्क है ना, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, वहां पे ये है. और 2021 का जो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड है वो इन फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर सतीश जी को दोस्तों मिला है. ठीक है गाइस, 35 साल के हैं और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, साथ में वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, उन सब ने मिलकर जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, ये सब मिलकर मतलब ये इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड है जो कि देते हैं. और पता करते हैं कि दुनिया में कौन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है जो कि किसी भी बायोडाइवर्सिटी को बचाने को लेकर काम कर रहा है. ठीक है गाइज, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखिएगा. आगे बात करते हैं पेज नंबर 13 को लेकर. यहाँ पे बात करेंगे नासा को लेकर. ठीक है, और नावेली जी को फाइनली दोस्तों हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया रशिया के अंदर. क्यूबा को नए लीडर है जो कि मिल चुके हैं कॉल कास्त्रो के रिजाइन के बाद में. कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. बाइडन ने इमिशन गोल जो है वो यहाँ पे जारी करे, और एंजेला मार्कल की दोस्तों नई सक्सेसर है जो कि लाने को लेकर बताया गया. और यहाँ पे एक और यूरोप का ह्यूमन राइट अवार्ड है जो कि दिया गया है. तो ये सारी न्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान के अंदर 11 पुलिस वालों को ही बंदी है जो कि यहाँ पे कुछ लोगों ने बना लिया, पुलिस वालों को बंदी बना लिया. गजब बात है.
चलिए ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे नासा को लेकर। नासा ने दोस्तों सक्सेसफुली क्या किया है, एक टाइनी हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी जो है ये एक हेलीकॉप्टर है, यहां पे आपको फोटो में दिख रहा होगा। ये हेलीकॉप्टर दोस्तों मार्स के ऊपर है, जो कि मार्स तक है, जो कि उड़ा दिया। ये पहला फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट है जो कि किसी और प्लेनेट के ऊपर करी गई है, ठीक है। और इसको नाम दिया गया है आर व्हाइट ब्रदर्स। ये वो पहले आदमी थे ना व्हाइट ब्रदर्स जिन्होंने प्लेन उड़ाया था, याद है ना। तो इन्हीं को नाम जो है वो डेडिकेट किया गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फ्लाइट जो है, स्पेसक्राफ्ट जाते हैं, सैटेलाइट जाती है, सैटेलाइट तो जाती है वो तो चलो ठीक है, हमने पढ़ा है बहुत बार, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर पहुंच जाए दूसरे प्लेनेट पे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नासा ने दोस्तों एक कारनामा है जो कि किया है, ओके गाइज, ठीक है। और इस फ्लाइट से काफी सारे डेटा और इमेजेस भी जो है वो कलेक्ट करी गई है, है ना। और 278 मिलियन किलोमीटर है मतलब जो इसने ट्रैवल किया है, ओके ठीक है गाइस। ये यहाँ पे इसके ऊपर एंटीना लगा रखे हैं, काफी सारे डिवाइसेस जो कि इन्होंने सेटअप करे हुए हैं, ओके चलिए ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ खास इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि क्यूबा को लेकर है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि क्यूबा के अंदर पिछले 60 साल से जो वहां पे रूल कर रहे थे वो कॉस्ट्रो फैमिली है जो कि कर रही थी, जिसके अंदर पहले तो फिडेल कॉस्ट्रो थे, उसके बाद में उनके भाई जो है रॉल कॉस्ट्रो है जो कि लीडर हुआ करते थे वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के। लेकिन अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट एवर सिविलियन लीडर है जो कि कम्युनिस्ट कंट्री का बनाया गया है 1962 के बाद में दोस्तों, पहली बार है जो कि ऐसा हुआ है, समझ गए। फिडेल कॉस्ट्रो ने दोस्तों 60 साल पहले जो इस कंट्री को सोशलिस्ट स्टेट है जो कि डिक्लेयर किया था यूएसए से लड़ाई करने के बाद में। यूएसए एक तरीके से कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री है, और उसी के पास में अगर कोई कम्युनिस्ट कंट्री हो तो कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसी को लेकर यूएसए का क्यूबा के साथ में हमेशा युद्ध रहा, और क्यूबा को रशिया का सपोर्ट है जो कि शुरू से मिला, क्योंकि रशिया भी कम्युनिस्ट लाइन के ऊपर ही चलता है, ठीक है गाइस। चलिए ओके, तो 1952 से लेकर 1959 तक के बीच में रिवोल्यूशन है जो कि क्यूबा का हुआ था, और यहाँ पे मिगुएल डियाज कैनाल को दोस्तों लीडर है जो कि अपॉइंट किया जा रहा है गया है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर मैं इसके मैप की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये तो है दोस्तों अमेरिका, और ये है क्यूबा, क्यूबा के बाजू में है इसकी कैपिटल जिसका नाम है हवाना, ओके गाइज, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बाइडेन को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों बाइडेन ने एक क्लाइमेट समिट है जो कि ऑर्गेनाइज करा है, जिसको उन्होंने वर्चुअली ऑर्गेनाइज है जो कि करवाया गया, और यहाँ पे काफी सारे लोग है जो कि लीडर्स थे जो कि इस समिट के अंदर थे। और इन्होंने दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करने को लेकर बात करी गई। ये फर्क है ट्रंप के बीच में और बाइडेन के बीच में। ट्रंप ने पेरिस पैक्ट से खुद को दूर कर लिया था, उसको कोई मतलब नहीं था दुनिया में क्लाइमेट को लेकर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ठीक है। और बेचारे वो लड़की जो है वो ग्रेटा, उसने जब बोला कि क्लाइमेट को लेकर, तो वो बोलते हैं ट्रंप की, अरे बच्ची है, इसको खिलौने विलौने से खेलने को बोलो ना, क्या इस उम्र के अंदर क्या काम कर रही है। तो ट्रंप भी अलग ही लेवल पे पर्सन थे। तो ट्रंप ने जो है वो यूएस को पूरा क्लाइमेट चेंज से दूर कर दिया था, और अमेरिका के बिना क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना पॉसिबल नहीं है, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। रशिया, अमेरिका, चाइना, ये बहुत ही लीडिंग कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज है कुछ, एक यूके, फ्रांस, जर्मनी, इनके बिना जो है पॉसिबल है दुनिया के अंदर क्लाइमेट को थोड़ा सा रिसेट करने को लेकर। तो यहाँ पे अमेरिका ने बोला है कि वो क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा 50% दोस्तों रिडक्शन करेगा 2005 के लेवल तक अपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को लेकर आएगा। 2030 तक का टारगेट है जो कि उसने दिया है, समझ गए मेरी बात। 2030 तक 50% रिडक्शन के लिए दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस के लिए बोला है। तो ये एक टारगेट है जो कि आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने भी दोस्तों 2030 का ही टारगेट है जो कि रखा है। आगे बात करते हैं जर्मनी की ग्रीन पार्टी को लेकर। उन्होंने दोस्तों मंडे को ये बोला कि अब जो उनकी सक्सेसर आने वाले हैं, जो नेक्स्ट जो वो लोग खड़े करेंगे अपने कंटेंडर वहां की जर्मनी के चांसलर के लिए, तो वो किसको करने वाले हैं, एना लेना को दोस्तों करने वाले हैं, ओके गाइस। तो ये बात आपको ध्यान रखिए, आने वाले दिनों में जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे तब हम और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी से आपको ये नाम से थोड़ा सा परिचित करवा रहा हूं, क्योंकि जब जर्मनी के इलेक्शन होंगे तब ये नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा, ठीक है। बाकी डिटेल जब ये इलेक्शन होंगे, जीतेगी हारेगी उस टाइम पे हम लोग दिखेंगे, तभी हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी आ गया, अनाउंसमेंट हो गया है, और बड़ी बात है क्योंकि एंजेला मार्केल जर्मनी में बहुत टाइम से वहां पे लीडर रही है, ओके, वहां के हेड रही है, तो वहां के अपोजिशन में एक और महिला का आना, उनकी सक्सेसर के तौर पे अनाउंस करना नाम बड़ी बात है, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये लॉ ग्रेजुएट है, ओके।
आगे बात करते हैं सऊदी के एक्टिविस्ट जिनका नाम है लियोजेन। तो यहां पे लियोजेन जो है इनको एक वैक्लेव हेवल ह्यूमन राइट अवार्ड है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट का अवार्ड के तौर पे जाना जाता है, उनको इस अवार्ड से दोस्तों सम्मानित है जो कि किया गया है। समझ गए, महिलाओं के अंदर आपको मालूम है सऊदी के अंदर महिलाओं को ड्राइविंग अलाउ नहीं था, स्टेडियम में मैच देखना अलाउ नहीं था, सिनेमा अलाउ नहीं था, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको सऊदी में अलाउ नहीं थी। तो महिलाओं को जो ड्राइविंग का जो अलाउ किया गया है वो इन्हीं के एफर्ट के बाद में किया गया है, इसीलिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके गाइस, चलिए। और हालांकि इनको भी ड्राइव करने के लिए 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था वहां पे, ठीक है, तो 5 साल का बैन है जो कि इनके ऊपर लगा हुआ है वहां पे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 15 को लेकर। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान रॉयल कल वापस से टाइम टाइम फिश और यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चेन्नई के द्वारा करी गई। ओके गाइज, यहाँ पे ठीक है मुंबई का भी अच्छी परफॉर्मेंस है जो कि देखने को मिली। हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो तो देख लेते हैं क्या है। छोटी सी न्यूज है जो कि आईसीसी को लेकर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, और आईसीसी ने दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हीथ स्ट्रिक जो कि जिम्बाब्वे के कैप्टन थे उनको 8 साल के लिए बैन किया। और यहाँ पे एक और श्रीलंकन प्लेयर है दोस्तों, क्रिकेटर रह चुके हैं, दिल हारा। कौन सा हारा? दिल का हारा, दिल हारा। ओके, दिल हारा लोक्यू हेंटीगे है, इनको 8 साल के लिए दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट से बैन कर दिया गया, क्योंकि इनका भी सेम केस है आईसीसी जो एंटी करप्शन कोड का जो इनका कोड है उसको ब्रीच है जो कि इन्होंने किया है। ठीक है गाइज, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। आप देख सकते हैं दिल्ली से मुंबई से बहुत सारे जनता जो लेबर है वो वापस से पलायन की तरफ दोस्तों रुख करते हुए। ओके, वापस से लॉकडाउन की कंडीशन हो गई है, दिल्ली में लॉकडाउन हो गया है, बेचारे मजदूर जैसे तैसे करके वापस जो है शहरों के अंदर पहुंचे थे काम करने के लिए और वापस से सेम कहानी देखने को मिली। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम। ओके, इसके अलावा यहाँ पे वही ऑक्सीजन को लेकर बात करी गई है। और ठीक है, यहाँ पे देखिए मनमोहन सिंह जी ने अच्छा एक इनिशिएटिव दिया था, 5 पॉइंट दिए थे कि भाई सरकार को इनके ऊपर काम करना चाहिए। हर्षवर्धन जी बोलते हैं, हर्ष रिप्लाई फॉर सिंह, योर लीडर्स मस्ट फॉलो योर एडवाइस। मतलब उल्टा जो है मनमोहन सिंह जी को बोल रहे हैं कि आपके लीडर को आपकी बातें फॉलो करनी चाहिए, मतलब जबकि ऐसा होना चाहिए एक अच्छे लीडर को, भाई हाँ हम अप्रिशिएट करते हैं मनमोहन सिंह जी ने जो बोला है और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये होना चाहिए। बाकी बोल रहे हैं कि आप अपने लीडर को बोलो, ठीक है चलो भाई आगे बात करते हैं। और मनमोहन सिंह जी को भी COVID-19 हो गया है, एम्स के अंदर भर्ती हुए हैं अभी और वैसे 90+ एज तक पहुंच चुके हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है वैसे। चलिए, जितना यूटिलिटी उनसे ले सके ले लेना चाहिए सरकार को। आगे बात करते हैं जो कि है फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडिजिनियसली बिल्ड चॉपर ALH इंडक्टेड इनटू नेवी। तो इंडियन नेवी की जो एयर स्क्वाड्रन है दोस्तों INAS 323, उसके अंदर पहली बार इंडिजिनियसली बिल्ड दोस्तों हेलीकॉप्टर है जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है MK3 एयरक्राफ्ट। ध्यान रखिएगा, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो कि हम इंडियन नेवी के अंदर कंडक्ट है जो कि कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है डिफेंस के, वैसे तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह जी, उनके अंडर में जो है वो कौन है, श्रीपद नायक जी हैं, तो उन्होंने दोस्तों जो है इसको दिया अपनी नेवी को। ठीक है गाइस, शक्ति इंजन है जो कि इन्होंने मैन्युफैक्चर करे हैं, एक्चुअली में इसमें क्या है शक्ति नाम के इंजन है जो कि हमने बनाए हैं, है ना, ये हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा दोस्तों बनाए गए हैं, तो वो इसके अंदर इंस्टॉल करे गए ताकि पावर कर सके, रेस्क्यू के टाइम पे काम आ सके, रिसर्च के जब सर्चिंग ऑपरेशन होते हैं ना तब काम आ सके, कोस्टल सर्विलियंस कर सके, इन सारे कामों के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर। जनसत्ता में भी जो सिविल सर्विसेज के जो इंटरव्यू थे उनको भी स्थगित कर दिया गया, CHSL का पेपर, NDA का पेपर, NTPC का पेपर, सारे के सारे, मतलब इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुए बाकी सब पोस्टपोन हो गया है देश में। मतलब लेवल देखिए आप, मतलब लेवल देखिए सत्ता की चाह का, है ना, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है। मतलब दिन में तो बोलते हैं कि दूर रहो, शाम में रैली करके बोलते हैं देखो कितने लोग आए, तो सत्ता का लालच देखिए, मतलब कि सब कुछ देश में बैन हो गया बस इलेक्शन नहीं हुए, मतलब प्रॉपर इलेक्शन हुए हैं। अब उस पूरा ज्ञान जो ढूलेगा ना वो तभी ढूलता है जब इलेक्शन रैली में नहीं होते हैं, सही है, मतलब यार सारे के सारे पेपर पोस्टपोन हो गए, मतलब ये देखिए कुंभ वुंभ सब करवा दिया गया। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि अलग से हो न्यूज के अंदर,
यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लेकर। अभी दोस्तों क्या हुआ है कि नए कुछ रेगुलेशन है जो कि आए हुए हैं ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट को लेकर, जिसमें 8 मेडिकल आइटम को इंक्लूड है जो कि किया गया है। तो अभी रिसेंटली हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 8 ऐसे आइटम को है ना ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट में इंक्लूड किया गया है। इसके तहत होगा क्या, ये देखिए नाम शायद आपको बहुत ही कम नजर आ रहे होंगे। एक तो बोन मैरो सेल सेपरेटर है, एक्सरे मशीन, डायलिसिस मशीन, पीटी इक्विपमेंट है, डिफेब्रिलेटर्स है, एमआरआई इक्विपमेंट है, सिटी स्कैन है ना, मेडिकल डिवाइसेस। तो कुल मिला के जितनी भी हमारी मशीनरी है ना जो मेडिकल में काम में आती है, उसको हमने क्या किया है कि हमने एक नया ऑर्डर जारी किया है सरकार ने, जिसने बोला है कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको लाइसेंस है जो कि पहले लेना पड़ेगा किससे, अथॉरिटीज से। समझिए मेरी बात, अगर कोई जो हमारी सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ना या स्टेट की जो अथॉरिटी है, तो उससे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप इन चीजों को मैन्युफैक्चर या फिर इंपोर्ट है जो कि करवा रहे हो। समझिए मेरी बात, ये बात आपको यहां पे ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, इस बार क्या है मेडिकल इक्विपमेंट जो है उनको भी ड्रग्स में इंक्लूड कर दिया गया है। पहले तो ड्रग्स में तो हमारी सिर्फ गोलियां हुआ करती थी, लेकिन अभी इंस्ट्रूमेंट को भी ड्रग में इंक्लूड है जो कि कर दिया गया है। ठीक है गाइस, इसमें जो भी इंपोर्ट होगा, मैन्युफैक्चर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का, वो पूरा रेगुलेट है जो कि इसके द्वारा, एक्ट के द्वारा किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कंट्री के अंदर जो भी कॉस्मेटिक्स या जो भी ड्रग जो बिक रहे हैं वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, इसको लेकर है जो कि किया जाता है। ठीक है गाइस, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है जो कि हाईएस्ट बोर्ड होता है इन सब चीजों को देखने को लेकर। आगे बात करते हैं ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021। तो ट्रिब्यूनल की भी जो दोस्तों पावर हुआ करती थी उसको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। एक्चुअली के अंदर ट्रिब्यूनल क्या होता है कि किसी भी मैटर को रिजोल्व करने का जल्दी तरीका होता है ना, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा कोर्ट से अलग जाके आपको जो है जल्दी मैटर को रिजोल्व करने की पावर मिलती है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों रिसेंटली जो है द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस है जो कि ये लेके आए हैं, जिसने इन्होंने डिसॉल्व कर दिया कई सारी अथॉरिटीज को। इसके अंदर 9 एक्ट हैं, ओके, और उनके जो फंक्शंस हैं उनको हाई कोर्ट को ट्रांसफर है जो कि कर दिया है। अब इसमें देखिए सिनेमेटोग्राफिक एक्ट है 1952, सिनेमा बनाते हो आप, सिनेमेटोग्राफी करते हो ना, तो उसके तहत कोई भी अगर पहले क्या होता था कि कोई भी मैटर होता था तो आप ट्रिब्यूनल में चले जाया करते थे, अभी वो आपको हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये जो अपील ट्रिब्यूनल है ना, समझ गए, उनको डिसॉल्व कर दिया गया है। कॉपीराइट का हो गया, ट्रेडमार्क का, कस्टम का, एयरपोर्ट का, जो जीआई का, जीआई टैग, नेशनल हाईवे, प्लांट वेराइटीज, पेटेंट एक्ट, इन सबको दोस्तों डिसॉल्व कर दिया गया है ऑर्डिनेंस को, और अपील ट्रिब्यूनल को डिसॉल्व कर दिया गया। ओके गाइस, इसके जो भी चेयरपर्सन अपॉइंट होंगे, मेंबर अपॉइंट होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करे जाएंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी उसके द्वारा करे जाएंगे। उसके अंदर चीफ जस्टिस होंगे, कुछ सेक्रेटरीज होंगे मिनिस्ट्री के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ओके चलिए ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं रशियन मून मिशन। तो रशिया का मून मिशन है जिसका नाम है लूना 25। ओके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों रॉस्कोमोस है जो कि रशिया की एजेंसी का नाम है, उन्होंने लॉन्च किया है लूना 25 जो कि अक्टूबर 2021 तक ये लॉन्च करेंगे। और रेस्पॉन्सिबल क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, अपने जो मून है उसके ऊपर ये नया मिशन है जो कि ये लोग करने वाले हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये लोग उसको लैंड करवा के वहां की सॉइल, वहां के ऊपर रिसर्च है मिनरल के ऊपर, वो करने वाले हैं। जैसे कि हमारा था ना मिशन, कुछ वैसा ही सेम मिशन है। 30 kg जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, एक रोबोटिक आर्म होगा, ड्रिलिंग हार्डवेयर होगा जो कि सॉइल सैंपल को कलेक्ट करेगा। ओके, जो भी आसपास का साउथ पोल का जो मून का एरिया है उसके ऊपर ये रिसर्च है जो कि करेगा। एक्चुअली साउथ पोल के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, मून के साउथ पोल के ऊपर फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहली बात तो उसके ऊपर अभी तक रिसर्च हुई नहीं है, दूसरा वहां पे बहुत सारे मिनरल का रिसोर्सेज है जो कि उसको माना जाता है, तो इसीलिए उसके ऊपर जो है इतने सारे काम है जो कि हो रहे हैं। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट। तो नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट के तहत बताया गया कि हमारे 8 ऐसे ईस्टर्न स्टेट है कंट्री के अंदर जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। क्लाइमेट चेंज वहां पे बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया। तो कौन कौन से, मिजोरम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और आसाम, ये ऐसे 8 राज्य हैं दोस्तों जहां पे काफी ज्यादा चेंजेस है जो कि क्लाइमेट में देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं आसाम, झारखंड और बिहार, यहाँ पे 60% ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं
जो कि कैटेगरी में है, किसमें? हाईली वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी के अंदर है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज जो देखने को मिलेगा। समझ गए? झारखंड का हाईएस्ट वल्नरेबल इंडेक्स है 0.67 के तौर पे, महाराष्ट्र का लोवेस्ट है 0.42 के तौर पे, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा झारखंड के चांसेस है और सबसे कम चांसेस है महाराष्ट्र के क्लाइमेट चेंज दोस्तों होने को लेकर। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली 162 प्रेशर स्विंग अब्सॉर्प्शन प्लांट है दोस्तों जो कि लगाए हैं ताकि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है कंट्री की उसको इंप्रोवाइज किया जा सके। आपको मालूम है आज के टाइम पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन की सुविधा हमारे पास अवेलेबल नहीं हो रही है, तो नए प्लांट इसलिए लगाए गए ताकि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। तो 162 प्रेशर स्विंग अब्सॉर्प्शन प्लांट है जो कि ऐसे लगाए गए मध्य प्रदेश में, चंडीगढ़ में, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, काफी सारे राज्यों के अंदर इनको लगाया जा रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो आप देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली जो है इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक 3 नए इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च करे थे, जिसमें जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या स्टॉक मार्केट है ना, वैसे ही नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका नाम दिया गया निक्सी अकेडमी, आईपी गुरु और निक्सी आईपी इंडेक्स, ये 3 नाम है जो कि दिए गए हैं। आईपी जो गुरु है इसको IPv6 भी कहते हैं, तो ये जितने भी इंडियन एंटिटीज है उनको सपोर्ट अवेलेबल करवाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है जो कि अवेलेबल करवाएगा। ओके, इंटरनेट सर्विसेज है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लेकर। वैसे ही निक्सी आईपी इंडेक्स भी है, ये एक पोर्टल है जो कि डेवलप किया गया इंटरनेट कम्युनिटी के द्वारा, और यहां पर भी IPv6 का जो अडॉप्शन रेट है ना उसको इंप्रूव करने को लेकर बोला जा रहा है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं हम लोग। निक्सी अकेडमी भी दोस्तों नॉन टेक्निकल और टेक्निकल लोगों को क्रिएट करने को लेकर बनाया गया है। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये अपने तीनों इनिशिएटिव है किसको लेकर, इंटरनेट एक्सचेंज को लेकर। आईपी गुरु है, निक्सी है और निक्सी अकेडमी है, तीनों नाम आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, आज के दिन के इतिहास की बात करें, ठीक है, 1971 में सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया वर्ल्ड का फर्स्ट मैंड स्पेस स्टेशन Salyut 1। ओके, इसके अलावा 1919 के अंदर यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट फ्री फॉल पैराशूट जंप है जो कि अरविंद के द्वारा किया गया था, 1919 में पहली बार फ्री फॉल। उसके अलावा हॉलीवुड के स्टंटमैन थे ये, है ना, पैर भी टूट गए थे इनके पहली बार करते हुए। और 1775 में अमेरिकन रिवोल्यूशन जो है उसकी शुरुआत है दोस्तों जो कि देखने को मिली थी। ओके गाइज, यूके और यूएस के बीच में 13 कॉलोनी के बीच में हुई थी और उसके बाद में यूएस का इंडिपेंडेंस है जो कि हुआ था। आज के फन फैक्ट की बात करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों एनाकोंडा जो होते हैं वो भी एक स्नेक की प्रजाति होती है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि स्नेक का जो है वो एग होता है लेकिन एनाकोंडा जो है वो डायरेक्टली बच्चे हैं जो कि डिलीवर करते हैं। ओके गाइज, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 30 फीट लंबे तक जो है बच्चे डायरेक्टली एनाकोंडाज है जो कि डिलीवर करते हैं और एक बार में 40 स्नेक है जो कि वो डिलीवर करते हैं। समझ गए? दुनिया का सबसे बड़ा जो एनाकोंडा था वो 150 फीट लंबा था और कोई 2500 kg, इतना भारी है, जो कि साउथ अफ्रीका के अमेज़न के जंगलों में देखने को मिला था। ये देखिए, इस तरीके के एनाकोंडाज आज भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट हमारे भी इंडिया में बहुत सारे जू है, कर्नाटका में, मैसूर में, है ना, जहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं गाइज क्राउड फंडिंग को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है एक छोटी बच्ची थी लक्ष्मी, उसके लिए हमने क्राउड फंडिंग किया, 3 डे का कैंपेन है जो कि चलाया था और 3 डे के अंदर हमने टोटल अभी तक 1.2 लाख रुपीज है दोस्तों जो कि कलेक्ट करे हैं। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आप सभी लोगों के लिए कि आप लोगों ने इतनी हेल्प करी। और इनके जो पेरेंट्स का मैसेज है वीडियो, वो कल अपने को अवेलेबल हो जाएगा, है ना। हालांकि उनको हिंदी नहीं आती, तेलुगु में मैसेज देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, फील जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज, हमने हमारे इस करंट अफेयर सेशन से जो है वो किसी बच्ची की जो है वो 1.25 लाख रुपए की मदद करी, है ना। और मुझे लगता है कि इससे उनके पेरेंट्स को, फैमिली को, उस बच्ची को बचाने के अंदर बहुत बड़ी हेल्प है जो कि करी जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप ही लोगों की शेयरिंग की वजह से, आप ही लोगों की वजह से जो है ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हो पाया और हमने उसको सक्सेसफुली जो है वो कंडक्ट करवाया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपको अनअकैडमी में कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप BHU 10 या फिर BHU 10 है जो कि आप यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। SSC में कल से मेरी इकोनॉमिक्स का प्लस कोर्स है जो कि लॉन्च होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, सारे क्लासेस के, सारे टॉप एजुकेटर, सारे सब्जेक्ट के आपको इसमें मिल जाएंगे।
ओके किसी भी एग्जाम की तैयारी आप BHU10 लगा के कर सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे प्लस में जाना है, ऊपर जो भी आपका गोल है वो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, 12 महीने और 24 महीने में से सेलेक्ट करिए, नीचे रेफरल कोड पूछेगा तो भुवनेश्वर या BHU10 लगा के आप अप्लाई कर सकते हैं। UPI के द्वारा आप पर मंथ भी पे कर सकते हैं 450 रुपये पर मंथ। ओके आज का पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, रॉस्कोमोस द्वारा Luna 5 लॉन्च किया जाना है, कब लॉन्च किया जाना है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कितने पहल रिसेंटली शुरू करे गए हैं। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।